Hey guys, good morning and welcome back to my channel The Village Girl. आज बहुत दिनों के बाद में एक अच्छा व्लॉग आने वाला है, क्योंकि आज मैं और मेरी बुलबुल, मैं इसकी सवारी, आज जाने वाले हैं कहीं दूर ट्रेवलिंग करने के लिए. क्या है, कैसे है, सारी अपडेट मैं आप लोगों को वीडियो में देती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी. अभी मैं देख सकते हैं मेरे एरिया के साइड में हूँ, यानी कि मैं अपने गांव से निकल रही हूँ. अभी मैं जाऊँगी टाउन तिनसुकिया, उसके बाद वहाँ से मैं अपने एक फ्रेंड को ले लूँगी, उसके बाद हम जाएंगे. ये तब तक लिए वीडियो में बने रहे. Hey guys, तो मैं पहुँच चुकी हूँ शिवधाम. देख सकते हैं मेरा ना बीच में स्कूटी ख़राब हो गया, तो मैं जिस फ्रेंड के साथ जाने वाली हूँ, फिलहाल आने वाला है वो, अभी पहुँचेगा ही. और ये देख सकते हैं शिवधाम, मैं आपको दिखा देती हूँ. तो यहाँ पे जो है, जो बोलबम से पानी भर के आते हैं, यहीं पे जल अर्पण करते हैं सब कोई. और ओ रहा मेरा दोस्त आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ. ये हम लोग का पांडव बच्चा. हाय पांडव, गुड मॉर्निंग. कहाँ जा रहे हैं आज को? लिदु 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 जा रहे हैं, बाहर के ऊपर. लिदु से भी आगे जा रहे हैं, लेकिन वो सीक्रेट है गाइस, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी. तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ पांडव के साथ में. पांडव ड्राइविंग करेगा, है ना, आगे से मैं ड्राइव कर लूँगी. और मैं आ रही थी, मेरा बुलबुल ने रास्ते में दम तोड़ दिया एक्चुअली ना. चल तो, क्या ना कि मैं सुबह रेडी हो रही थी सीसा लेके, ठीक है, तो सीसा ना अचानक से गिर गया. तो मम्मी कहती है कि ऐसे अब शगुन होता है. शायद आप लोगों के घर में भी बताया जाता होगा कि सीसा गिरना ना सही नहीं होता. तो आते आते क्या हुआ कि स्कूटी चलना ही बंद हो गया. अभी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग को बहुत दूर तक जाना है. तो मैं आगे चल के आप लोगों को सारी अपडेट देते रहूँगी, तो वीडियो में बने रहिए. ए गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग थोड़ा माकुम पार होके इधर आ चुके हैं. और यहाँ पे एक रोड है जो कि 18 किलोमीटर है, पूरा स्ट्रेट है. ऐसा रास्ता, ऐसा रोड आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने भी रोड है थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा होता ही है, बट ये एक लौता ऐसा स्ट्रेट रोड, वो भी 18 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, जो कि बहुत फेमस है, ऐसा भी कह सकते हैं आप. तो फिर मैं यहाँ पे रुके बना रही, क्योंकि अगर मैं स्कूटी पे रहूँगी चलाऊँगी तो पता ही है कि उसका बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा. तो आपको आपको जो है सुनने में प्रॉब्लम होगा, यानी कि वो साउंड आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना. इसीलिए तो मैं ज़्यादा देर रुकूँगी तो जो आगे का ब्लॉग है वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी. इसलिए मैं जा रही हूँ और डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं अपनी जगह पे जाके, क्योंकि वो सस्पेंस अभी मैंने नहीं बताया. तो आगे आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. तो लेट्स गो गाइस. सुबह कुछ खा के थी इसलिए दुकान में चाचा के पास में सेंट्रल फ्रूट ले रही हूँ, ताकि मेरा आग से दम से हर जगह से जल प्रवाह हो रहा है. ये गाइस, मैं सुबह कुछ भी खा के नहीं आई थी, तो अभी हम होटल में हैं, परोठा खा रहे हैं. ये देख सकते हैं, तो पांडव ने ख़त्म कर दिया है, ये भुक्कड़ खा रहे हैं. मैं फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो चुका है आज को. हम लोग ऐसे भी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं स्कूटी के चक्कर में, ये तो बीच में ख़राब हो चुकी थी. और अभी हम यहाँ से निकलेंगे, इस होटल से भी निकलने वाले हैं, तो मिलते हैं कुछ ही देर में. तो ये है रास्ता लिदु का. और हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं जा रही हूँ कहीं पे, जहाँ पे मैंने जगह का नाम अभी तक आप लोगों से सस्पेंस रखा है, तो मैं वहीं पे जाके आपको सब कुछ बताऊंगी, दिखाऊंगी. तो वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा. वैसे आप लोगों से कुछ शिकायत है मेरी, जैसे मुझे व्यूज़ दोगे आप, मुझे सब्सक्राइबर दोगे, ठीक है, तो ऐसे दोगे तो मुझे बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना. आप मेरे सब्सक्राइबर हो के मेरी हेल्प नहीं करते हो, तो थोड़ा सा बुरा लगता है मुझे. देखिए, ये हम जिस तरीके से धीरे धीरे नज़दीक जा रही है, इसकी खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही है. क्या ही नज़ारा है गाइस,
यू नो आजकल के टेंशन भरी लाइफ में आदमी लोग ने जीना ही छोड़ दिया ऐसा लगता है। इसीलिए ना आप लोग ना कभी टाइम निकाल के ऐसे प्लेस में आया करो, घुमा करो, कभी खुद को भी टाइम दिया करो यार। मत करो। ओ पांडु, आपको इतना ज्यादा दूर का सफर तय करके कैसा लग रहा है? बोले तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप उनको कि ऐसा ड्राइव रोज होना चाहिए। नहीं रोज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन महीना में एक दिन करना चाहिए। महीना में एक दिन तो ही महीना में एक दिन। इसका बहुत नकड़ा था, ये छुट्टी ले नहीं रहा था, आजकल बहुत काम करने लगा है, बच्चा बड़ा हो गया हम लोग का। तो अभी एक हीरो का एंट्री देखिए आप। आप लोग का साइड में हम लोग क्या बोलते हैं, वो मेहमान है तो मेहमान नवाजी सही से होना चाहिए ना। तो ऐसे यूट्यूबर का बेइज्जती, यूट्यूबर का बेइज्जती कर दिया। अरे वाले के बड़ा सब्सक्राइब कर दो ना यूट्यूबर। मेरे बहुत मजाक उड़ाते मेरा बहुत। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे एक फ्रेंड के घर पे, वहाँ पे मैं ड्रेस चेंज करूँगी क्योंकि मुझे दूसरा भी वीडियो स्टार्ट कर बनाना है। सॉरी, मैं आज दो वीडियो के लिए ही निकली हूँ क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो बीच में मैं कंटिन्यू नहीं हो पाऊँगी। इस वजह से मैं अभी बना के रख दूँगी ताकि मैं डाल सकूँ और मेरे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैनेज करना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ, आपको तो पता ही होगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, ड्रेस चेंज करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फाइनल लुक। क्या ड्रेस पहन? ए गाइस, तो मैं बहुत दूर आने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ टिप्लोम कॉलरी। आपको मैं दिखा देती हूँ उसकी गेट की एंट्री। लुक एट द व्यू, ओ माय गॉड। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे इधर और इसके आगे जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। ये आई एम सो एक्साइटेड। आप ये जंगल एरिया, इसके नीचे का जो व्यू है ना यार, बहुत ही सुंदर है। मैं अभी जा रही हूँ नीचे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत सुंदर प्लेस है। पानी आ रहा है, इतना बड़े बड़े पत्थर है। ये देखिए गाइस, तो ये है मेरा फाइनल लुक। भाई ऐसे पकड़ो तो फाइनल लुक दिखा देगा। ये मेरा फाइनल लुक, इसमें और एक वीडियो आएगा। तभी मैं जा रही हूँ पानी के बीच में, और आप वो वाला भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं जल्दी जल्दी से उसको भी पोस्ट कर दूँगी। तो मिलते हैं शूटिंग के बाद। तो मेरा यहाँ का हो गया सूट ख़त्म और मैं यहाँ से निकल रही हूँ, और फाइनली जहाँ पे मैं सस्पेंस की बात कर रही थी वहाँ पे जाने वाली हूँ। तो इसमें मेरा सूट हुआ था, तो ये ड्रेस मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब मैं चेंज करके और डायरेक्ट आप लोगों को मिलती हूँ उस जगह पे, तब तक के लिए बने रहिए। ठीक है गाइस, तो मैं इसी जगह की बात कर रही थी जो मैंने बताया था कि सस्पेंस था, तो फाइनली मैं उस जगह पर आ गई। इसको मैं आपको पहले लोकेशन दिखा देती हूँ, उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। बहुत सुंदर प्लेस है, लुक एट द प्लेस। अच्छे से मैं आपको कवर करके दिखाती हूँ।
ब्रश पे इतने प्यारे प्यारे डॉगी हैं जो बिल्कुल नहीं काटते, बहुत प्यारे हैं। मैं तो कहती हूँ आप एक बार आए लाइव इनसे मिले, बहुत अच्छा लगेगा। ये फाइनली प्यारे जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया इस वीडियो में, और इधर छोटा मोटा एक लुक जो कि बहुत सारे फूल है, और यहाँ पे आप लोगों को बुद्ध मंदिर का टेंपल भी देखने को मिलेगा। ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन पगोड़ा जो है उसका स्मॉल पैक बोल सकते हैं आप, क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी तो मैं तब ब्लॉगिंग नहीं करती थी, और यहाँ पर मैंने वैसे ही कुछ देखा आप लोगों को। आइए मैं दिखाती हूँ। आई थी मैं, और मैंने जो बताया था आप लोगों को सस्पेंस का बात, सस्पेंस यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। और इसी जगह की मैं बातें कर रही थी, मैंने सुना तो था लेकिन आज फाइनली मैं यहाँ पे आई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आप लोगों को भी अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पे जो गेट है वो देख सकते हैं बंद है, तो फिलहाल मैं इस गेट के अंदर तो नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आइए, ये है बुद्ध मंदिर का टेंपल, आप देख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन इसके अंदर हम लोग नहीं जा पाएंगे। और उसके सामने भी एक और एक टेंपल है, और इधर भी कुछ है जो कि इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बस इतना ही है, लेकिन इसके आगे इधर भी है कुछ, देख सकते हैं आप, लेकिन इधर अलाउड नहीं है क्योंकि गेट बंद है, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। आप लोग को बाहर से दिखा देती हूँ, और आप लोगों ने देखा कि कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे डॉगी थे। तो गाइस आज का व्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत और मेरा ये ब्लॉगिंग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे भर भर के प्यार दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।